तलाशी मारी है। उस नौजवान के देखा लड़की ने जोरदार तमाचा मार के कहा, मुनाफिक गद्दार झूठ बोलता है, मुनाफिक गद्दार झूठ बोलता है। उसने कहा क्यों? अगर तेरे दिल में मेरा इश्क़ होता तो फिर मेरे स्वर्ग को पलट कर न देखता। इश्क ना शरीक होता है, इश्क में दूरी नहीं होती, इश्क में मुनाफिकत नहीं होती। अब मेरी कौम के जवानों, ऐ किशनगंज में बैठ कर कदम रसूल के वो सहन में बैठ कर नबी के दीदार की दुआ करने वालों, हुजूर में आपको देखना चाहता हूँ कि तमन्ना करते हो वो लोग हुजूर नजर आएंगे जिन आंखों में पूरी पूरी रात नरम नरम कदमों पे देख कर जिला के मनासिब देखे उनको हुजूर नजर आएंगे। मैं आपकी दुआ के बरसते ही हूँ, मैं आपकी दुआ में मुकम्मल साथ था और मुकम्मल इन्हेमाम के साथ साथ था, इसलिए कि मुझे ये एहसास था कि इस पूरे मजमे में नहीं बल्कि अल्लाह के तमाम बंदों में अगर सबसे ज्यादा जीरा पड़ा कोई बंदा है तो उसको अमीरुल कादरी कहते हैं। मैंने सोचा इतने बड़े मजमे में कोई तो मकबूल होगा। वो कह रहा है हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, मैं भी कहूँ देखना चाहता हूँ, हो सकता है उसकी वजह से मेरी बिगड़ी बन जाए, लेकिन हकायक तो हकायक है। शायरी की दुनिया मेरे अजीज और है, अकीदतों की दुनिया और है। आप मुझे बताएं जिस कौम का जवान रात के तीन तीन बजे तक नरम नरम कदमों पे देख कर गंदी फिल्में देख रहा हो वो रसूलुल्लाह को कैसे देख सकेगा? जो औरतों पर पाप की नजर डाल रहा हो वो रसूलुल्लाह को कैसे देख सकेगा? मुझे बताओ जो नबी का दुश्मन रखता हो, जो रसूलुल्लाह का शैतानी हो, वो किसी औरत पर किसी लड़की पे पाप की नजर डाल देगा? सुन लो अल्लाह के रसूल कहता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी औरत पर पाप की नजर डाली उसकी आंखों में जहन्नम की आग की बनी हुई सलाखें डाली जाएगी। पूछना चाहता हूँ प्यास के नन्हे नन्हे ज़रात अगर हमारी आंखों में चला जाए तो हमारी आंखें लाल लाल हो जाती है, आंसू निकल पड़ते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, क्या तुम्हें अपने आप से मोहब्बत नहीं? तुम्हें अपने आप से प्यार नहीं? जो आंखें एक नन्हा सा तिल का बर्दाश्त न कर सके, जो आंखें प्यास के छोटे छोटे ज़रात बर्दाश्त न कर सके, जब इन आंखों के अंदर औरतों को पाप की नजर से देखने की बुनियाद पर जहन्नम की आग की बदली हुई सलाखें डाली जाएगी, इन आंखों का क्या होगा? इन आंखों का अंजाम क्या होगा? लोग मुझसे कहते हैं और कोई दलील का बताए हुजूर को देखने का। मैं कहता हूँ मैं कोई वजीफा नहीं जानता हुजूर को देखने का, मुझे एक ही वजीफा मेरे बुजुर्गों ने बताया, अपनी आंखों से गुनाह करना बंद कर दो, अपनी आंखों से रसूलुल्लाह ने जिस